खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और एक्यू सिद्दीकी साहब, एक सेकंड, ये कश्मीरी हैं जिनसे आप बात कर रहे थे, कश्मीरी पंडित ने आपको बता दिया कश्मीर को लेकर उनकी राय क्या है? नहीं, कश्मीरी पंडित ने बता दिया। अब एक कश्मीरी मुसलमान, ये जो कौम कौम का राग आप अलापते हैं ना, सुनिए सर, आपके झूठ को, आपके फॉल्स प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्यू साहब, मैं इस वक्त बीच में हूँ, अब कुछ देर में बीच में आप होंगे, एक तरफ आपके कश्मीरी पंडित होगा और दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमान। क्यों आप लोगों की जरूरत नहीं है इन दोनों को, आपसे कुछ ही देर में एक्सपोज हो जाएगा। सलमान निजामी आपसे बात करेंगे सर। सलमान निजामी इंडियन ऑक्यूपाइड नहीं है, सिर्फ एक ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक ही ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये है आपका चेहरा और सिद्दीकी साहब के अंदर जाके टेररिज्म फैलाना, कुलभूषण जैसे सबूत जो है वो जहाँ पे आपके पास पड़े। सिद्दीकी साहब, मैं कश्मीर से हूँ और मैं आपको पीछे पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको दो दिन पीछे ले जाऊंगा जब कश्मीर में हमारे दो जो गुज्जर भाई हैं, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको आपकी बंदूक से उनका कत्ल हुआ। हम टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमें छोड़ दीजिए साहब, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपने 30 साल में जितनी अपनी राजनीति रोटियां सेकनी थी वो सेक ली। कश्मीर को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमारे वहां मुजरा नहीं होते, हमारी बेटियों के साथ गलत नहीं होता जो पाकिस्तान में आपके होता है। हमारा कल्चर महफूज है, हमारा कल्चर, हम रिसोर्सफुल स्टेट है। ये 370 हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में है, आप इसमें उंगली मत डालिए। किसी दिन पढ़ लिया कीजिए, आप समझ आइए। हमने कबायली पाकिस्तानियों का मुकाबला भी 1947 में कश्मीरी मुसलमानों ने किया। ये हमारे मामले हैं, ये आप अपने शियाओं को बचाइए, अपने अहमदियों को बचाइए, अपने बलोचियों को बचाइए, उनका ख्याल करिए। लेकिन हमारा, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे इस देश के संविधान पे यकीन है, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे 370 के लिए, उसमें पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है। आपने कितने हमारे लोग मारे उसमें आपको मैं गिनती दिखाऊंगा। उसमें मीरवाइज के बाप को भी आपने मारा, गनी लोन को भी आपने मारा। हमें पता है पाकिस्तान की बदमाशी क्या हो रही है कश्मीर में। हमें अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो आप लोगों ने तकलीफ दी है। हम लोगों को अगर किसी ने इस्तेमाल किया है वो आप लोगों ने किया है। सिद्दीकी साहब, जर्रा गिरवी है, मालूम है आपने आजाद कश्मीर के मुसलमानों के साथ आपने क्या हासिल किया है। आप पंजाबी तो कश्मीरियों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। गन पॉइंट के ऊपर मुल्क टूटते हैं, कभी मुल्क बचते नहीं है और इंडिया टूटेगा। इंडिया हो चुका है, देखिए हमारा मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ है। 370 कश्मीरी और भारत की सरकार के बीच में, आप कई के बीच में बेगानी शादी में होगा दिमाग क्या है। सलमान, थैंक यू। सिद्दीकी साहब एक सेकंड रुकिए। सलमान निजामी के लिए कुछ कहना है सर? अब रुक जाइए ना, आप तो झूठी बातें कश्मीरियों की करते हैं, रुक जाइए, अभी एक सेकंड रुक जाइए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सलमान निजामी, आज पूरा हिंदुस्तान आप पर फख्र करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तानियों को बेपर्दा करने की जरूरत है, जो जबरदस्ती, जो बेवजह अपनी दुकानों को बढ़ाने के लिए कश्मीरियों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। मुझे लगता है ये पहली दफा होगा जब एक कश्मीरी ने एक पाकिस्तानी के मुंह पर इस तरीके से सच्चाई का तमाचा जड़ा होगा। प्रेम शुक्ला साहब, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी सर, आज पहली बार आपको लाइव एक्सपोज होते हुए पूरा देश देखेगा। पाकिस्तान के लोग तो परेशान हो जाएंगे इस सच को देखकर। ये कश्मीरी सोचता है, एक आम कश्मीरी सोचता है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारे हैं। देखिए औरंगजेब, लेफ्टिनेंट फयाज, मैं सलमान निजामी के जज्बे को सलाम करता हूं। सलमान, आज मेरी तरफ से आपको एक कप कॉफी, सीरियसली
आपने दिल जीता हिंदुस्तान का, आपने वो सच्चाई, मतलब ठीक है हम आपस में इधर एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एक दूसरे पर शिकायतों के, हाँ डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे से शिकायत कर सकते हैं, बट इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी अ कश्मीरी फाइटिंग फॉर देयर राइट, वो अपने घर में कर रहा है, लेकिन जब बाहर का कोई आने की कोशिश करता है तो कहता है स्टे अवे, दूर रहो, ये हिंदुस्तान का मामला है। थैंक यू सलमान।